जगह पे जाना चाहेंगे कि कैसा रहा वर्चुअल फैशन शो? हमने आपको ढेर सारे फैशन शो वॉक तक कवर करते देखा, बट दिस टाइम थोड़ा डिफरेंट है, वर्चुअल है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके? सबसे पहले सबको नमस्ते, हेलो और वेलकम टू द वर्चुअल फैशन वीक ऑफ बॉम्बे टाइम्स। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और क्योंकि बेसिकली इट्स अ डिजिटल आउटलुक एंड इवन द इवेंट इज़ अ डिजिटल आउटलुक, इसलिए मुझे लगता है कि सिंस ये डिजिटल आउटलुक है, जिस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा थी, जैसे कोविड टेस्ट हुआ और बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तो मुझे लगता है कि हर फैशन शो इसी तरीके से हो तो बहुत ही सारा कन्वीनियंस हो जाए। वो इज़ वंडरफुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आज हमने कहा है कोविड के वजह से हमें बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ती है, मास्क करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, कोविड टेस्ट लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और लोगों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं पाते, तो ऐसे वर्चुअल करके बहुत अच्छा किया। मिस किया, फैमिली को मिस किया एंड फ्रेंड्स को मिस किया, बट मुझे ऐसे लगता है कि वैसे भी सभी लोग इसको डिजिटली देखते हैं, तो एक्चुअली बहुत सारी भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई फील ये तरीका जो इन्होंने अपनाया है वर्चुअली का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही मायने से, मुझे लगता है आगे भी इन्होंने इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। हम आउटफिट की बात करने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट आपने अगेन प्रेजेंट किया, तो ब्लैक सो आप थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके इस बार क्या थीम रखी है आपने, कितना कुछ डिफरेंट है? सो हमने जब इनको डिज़ाइन किया तो हमने एक साड़ी गाउन किया एंड आई थॉट शी वुड लुक रियली नाइस इन दैट एंड शी इज़ कैरिंग इट सो ब्यूटिफुली, आई लव द वे शी इज़ लुकिंग। और जब हमने इनके लिए डिज़ाइन किया, शी इज़ वेरी यंग, सो आई डिज़ाइन अ शॉर्ट ड्रेस फॉर हर एंड विद अ फ्लोइंग केप, सो ऑन द रैंप व्हेन शी वॉक्स यू नो द केप फ्लोज बिहाइंड हर एंड इट्स रियली नाइस एंड यस एंड आई होप दे बोथ एंजॉयड वेयरिंग द गारमेंट्स। एंड संगीता, थोड़ा सा आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे, कितना कम्फर्टेबल है आपके लिए एंड कैसा आउटफिट के एक्सपीरियंस के पहले मैं कहूँगी अर्चना जी का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी हम इनके पास कॉस्ट्यूम टेस्ट करने गए थे तो उन्होंने हर चीज़ को इतने तरीके से हमारी पर्सनालिटी को देख के या हम क्या चीज़ अच्छा हमें लगे या नहीं लगे उस तरीके से उन्होंने सब चीज़ रेडी रखा था। जैसे मैंने ये आउटफिट पहना, इट वॉज सो परफेक्ट, मुझे नहीं लगता मैंने दूसरा आउटफिट भी ट्राई किया। सो इनकी जो सोच है, इनको पता है कि किस इंसान के ऊपर कौन से तरीके के कपड़े अच्छे लग सकते हैं, तो इट वाज़ जस्ट अ वन टेक शॉट, तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर आई एम नाउ एडिक्टेड टू हर एंड आई एम गोइंग टू वेयर मेनी मोर ऑफ अर्चना कोचर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद मैम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू wear more of her clothes, of course, and she's made whatever she's made for me now, it's just mind-blowing. Thank you so much. I'm loving it too much. She made it the way I like it, the way I need to look, young, sorted. I'm loving it. Thank you. And ye silver ring jo hame bahut hi beautiful lag rahi hai, thoda sa bahut uske bare mein agar Anjana ji aap bata sakte hain ki black and silver ki jo theme present kiya aapne? ये रिंग्स संगीता जी की ही हैं, इनफैक्ट आई हैव बीन कॉम्प्लीमेंटिंग हर ऑन इट ऑल्सो। तो जब मैंने इनके लिए आउटफिट्स किए थे तो मैंने ज्वेलरी के लिए आई एम यू नो शी हैज़ अमेजिंग टेस्ट, आई हैव नोन हर फॉर मेनी इयर्स, सो आई टोल्ड हर व्हाई डोंट यू डू योर ओन रिंग्स एंड द ट्रुथ ऑफ इट इज शी डन इट एंड आई थिंक शी डन एन अमेजिंग जॉब ऑफ इट। ज्वेलरी बहुत सभी पहनते हैं, सभी को पसंद है, हर महिला को ज्वेलरी पसंद है, बट मैं अभी ऐसा सोचती हूँ कि जैसे ट्रेंड ऑफ क्लोथ्स चेंज हो रहे हैं वैसे ज्वेलरी का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, तो मुझे लगा हमारी इंडियन लड़कियों को मेहंदी बहुत अच्छी लगती है पहनने के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसी ज्वेलरी पहने के इंस्टेड ऑफ बैंगल्स हम इसको फिंगर्स पे पहने, आजकल लड़कियों को नेल्स बहुत अच्छा आर्ट वगैरह पसंद है, तो क्यों ना हम इसको भी आर्ट के हिसाब से यूज़ करें, तो हर वे से हर तरीके से पहना, एक चीज़ पहनो तो बस हो जाती है, तो इसीलिए मुझे लगता मतलब है। इनका बहुत ही अच्छा सेंसिबिलिटी और यू नो टेस्ट है,
तो ये जो चूज़ करती हैं, मतलब बहुत चूजी भी हैं और बहुत सही चीज़ भी पिकअप करती हैं. सो व्हाट शी इज़ डन विद दिस इज़ अमेजिंग, द वे शी स्टाइल्ड द ज्वेलरी. आई एम वेरी वेरी एंड न्यू ईयर एंड क्रिसमस भी आ रहे हैं, सो हमारी बहुत प्लानिंग है. हम दोनों घर में बैठेंगे, अच्छी सी एक मूवी देखेंगे और क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. और लोगों को भी कहेंगे कि आप घर में रहिए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह में मत जाइए. हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है ताकि हमें सपोर्ट मिले. तो हमारी मदद के लिए हमें उनको भी मदद करना है कि बहुत ईजी ना ले. बहुत सारे न्यू ईयर्स आएंगे, बहुत सारे क्रिसमसेस आएंगे, पर इस बार का जो क्रिसमस है वो हमारे हेल्थ के लिए है. तो हेल्थ का ख्याल रखिए और क्रिसमस अपनों के साथ घर में बहुत खुशी से मनाइए. वन लास्ट विश, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, आई विश एवरीवन अ वेरी गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बहुत आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है अपना हेल्थ. तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, जो आप खा रहे पी रहे उसको ध्यान में रखिए और क्या खा रहे, और ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ भाड़ में मत करिए. टेक केयर. थैंक यू जी. थैंक यू.